बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कश्मीर मैगज़ीन की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूँ यासिर रहमान। नाज़रीन, कुछ अर्सा पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक स्टोरी शाया की थी और उस स्टोरी के अंदर उन्होंने मकबूजा कश्मीर की जो सूरत हाल है, उसका जो माशी अबतरी की सूरत हाल है, उसको हाईलाइट किया था। उसमें उनका ये कहना था, तकरीबन डेढ़ साल दो साल पहले की स्टोरी है जी, उनका ये कहना था कि $5 अरब का 2019 के बाद मकबूजा कश्मीर को नुकसान हो चुका है। यानी एक ऐसी इकॉनमी जिसका टोटल जो इकॉनमी का साइज़ है वो 20 से 25 अरब डॉलर है, और उसको $5 अरब का नुकसान होना या लॉस होना, इसका मतलब ये है कि 1/4 ऑफ द इकॉनमी साइज़ जो है वो ख़त्म हो चुका है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो मकबूजा कश्मीर में जैसे ही आर्टिकल 370 को ख़त्म किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये जो ख़ुद से ही इन्होंने पहले शामिल किया, बाद में ख़ुद से ही इसको ख़त्म कर दिया, और जिस भौड़े अंदाज़ से ख़त्म किया, पूरी दुनिया के सामने है कि उसकी जो लेजिस्लेटिव असम्बली है उसकी तरफ से किसी किस्म की कोई रिकमेंडेशन नहीं की, बल्कि ख़ुद से ही इन्होंने ख़त्म किया, जो मामला अभी भी उनकी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी कंप्लेस है इस मामले में, तो इसलिए वो खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। लेकिन अगर हम इकॉनमी के हवाले से खास तौर पे बात करें तो हिंदुस्तान ने कहा कि आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद वहां पे दूध और शहद की नहरें बहा दी जाएंगी, वहाँ पे हर शख्स के पास कारोबार होगा, हर शख्स के पास नौकरी होगी, और वो बिल्कुल ये आज़ादी की तहरीक, आज़ादी के हवाले से बात, जहाद के हवाले से बात, या अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारने के हवाले से बात जो है बिल्कुल नहीं करेंगे। उनके मुताबिक ये तमाम जो मामला है ये तो पाकिस्तान की जानिब से किया जा रहा है, ये तो कश्मीरी इसके अंदर इन्वॉल्व ही नहीं। जब कश्मीरियों को रोज़गार दे दिया जाएगा, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, तो कश्मीरी बिल्कुल इस मामले से एतराज़ बरतेंगे और कश्मीरी इस मामले में बिल्कुल भी अपना फोकस नहीं रखेंगे। जबकि हमने ये देखा कि पिछले 3 बरस के अंदर हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हुए, बिल्कुल सिचुएशन इसके खिलाफ गई। मकबूजा कश्मीर में जो थोड़ी बहुत टिमटिमाती हुई इकॉनमी थी, वहां पे अगर हम टूरिज्म के हवाले से बात कर लें तो टूरिज्म इंडस्ट्री इस वक्त बंद पड़ी है। अगर हम बात कर लें उनकी एग्रीकल्चर के हवाले से, तो फार्म इंडस्ट्री जो है, जिसमें खास तौर पर जो सेब की फसल है वो पूरे इंडिया के अंदर उसको एक्सपोर्ट किया जाता था, और कश्मीरी सेब जो है वो पूरी दुनिया में उसको महावरतन इस्तेमाल भी किया जाता है क्योंकि उसकी क्वालिटी बहुत जबरदस्त होती है, बहुत आला होती है। इसी तरह से जो जाफरान है, कश्मीर का जो जाफरान है दुनिया का महंगा तरीन प्रोडक्ट इसको कहा जाता है, और इसकी एक्सपोर्ट जो है वो, क्योंकि लेबर नहीं थी वहां पे मौजूद, वहां पे उनके वसाइल मौजूद नहीं थे, और उसकी फसल को भी बिलियंस ऑफ रुपीस का जो है वो नुकसान हुआ और मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ। फिर हम आगे चलते हैं उनकी जो बाकी इंडस्ट्रीज़ हैं, जिसके अंदर अब इवन यहाँ तक इन्होंने कर दिया है कि जिस किसी की लैब होगी उसके अंदर जो मेडिकल डॉक्टर है वो जब तक दस्तखत नहीं करेगा वो लैब जो है वो नहीं आगे चल सकती, वो उसको हम लाइसेंस जारी नहीं करेंगे। फिर उसके बाद इन्होंने ये ढकोसला अपनाया, उन्होंने कहा कि जनाब आप कश्मीर में हमने इकॉनमी का साइज़ तो बहुत बड़ा कर देना है, तो इसके लिए हम ये करेंगे कि इन्वेस्टमेंट समिट्स करेंगे, रियल स्टेट समिट्स करेंगे, और इसके लिए हमने जो इलाका है वो एयरमार्क कर लिया है कि ये इलाका इंडस्ट्री को दे दिया जाएगा, ये इलाका रियल स्टेट के लिए होगा, यहाँ पे हम होटल्स बनाएंगे, यहाँ पे हम बड़े बड़े जो है वो मॉल्स बनाएंगे। और उसके लिए इन्होंने कुछ दोस्त ममालिक से भी रुजू किया और वहाँ से कुछ फेसेस को यहाँ पर लेकर आए, और जिन्होंने यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस की, कहाँ पे गवर्नर हाउस के अंदर बैठ के, और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो मौजूद है वहाँ पे मनोज सिन्हा, उसके ऑफिस में बैठ के उन्होंने कॉन्फ्रेंसिस की। सिक्योरिटी के हिसार के अंदर उन्होंने कहा कि जनाब हम यहाँ पर बिलियंस ऑफ रुपीज़ लेकर आएंगे। अब की जो ग्राउंड सिचुएशन है वो ये है कि कश्मीरी इस वक्त बेरोजगार हो रहे हैं। कश्मीरियों को अगर वो हिंदुस्तान की तरफ जाते हैं वहाँ पे उनको रोज़गार नहीं मिलता। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो वहाँ पे जो दिहाड़ीदार जो उस वक्त काम कर रहा था वो बेरोजगारी का शिकार है। जो डल लेक के ऊपर कश्ती चलाया करते थे वो इस वक्त बहुत ही माशी अबतरी का शिकार है, क्योंकि टूरिज़म जो है वो ना होने के बराबर है। इस पर आज हम बात करेंगे कि जितने दावे आज तक हिंदुस्तान की हुकूमत ने की है कि आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के बाद हमने मकबूजा कश्मीर की इकॉनमी को बहुत बेहतर किया है, उसकी हकीकत क्या है, इस पर बात करने के लिए आज हमें असद साहब ने ज्वाइन किया है, नामवर तजियाकार हैं, और टेलीफोन लाइन पे भी इस हवाले से हम मजीद बात भी करेंगे। असद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया है। ये फरमाइएगा, इंडिया तो बहुत बड़ा दावे कर रहा है कि हमने तो कश्मीर की जो माशी हालत है उसको यकसर तब्दील कर दिया है, हकीकत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासर आपका बहुत शुक्रिया। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि जिस तरह के दावे सर्टली उन्होंने किए थे 370 को और फिर 35A को रिवोक करके, एंड विद वेरी टॉल क्लेम्स एंड प्रॉमिसेस वी आर गोइंग टू डू दिस फॉर कश्मीरीज और सारा ये कुछ करेंगे, और उनका ओवरऑल आप देखेंगे कि जो इससे पहले तरक्की नहीं हो रही थी हम उसको तरक्की देने जा रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सारे के सारे वो उनके झूठे दावे थे। जो कुछ भी था, ऑन ग्राउंड सिचुएशन तो मुख्तलिफ है। अगर इन अवे देखा जाए
2015 के अंदर आखिरी इलेक्शन हुए थे। अब ये देखें, ये अपने आप को क्लेम करते हैं कि हम दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरियत पसंद मुल्क हैं, जमहूरी मुल्क हैं, और उस उनका हाल ये है कि 2015 से लेके अब तक 7 साल हो गए जी। उन्होंने इससे पहले असम्बली तोड़ी पीडीपी की, इसके बाद गवर्नर रूल लेकर आए, फिर प्रेसिडेंट रूल लेकर आए, फिर इसके बाद उन्होंने टोटल हैसियत उसकी तब्दील कर दी। तमाम तर बैन अल-अक़वामी जो मुसलमा कवानीन हैं उसके तहत, और स्पेशली अगर यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की भी बात करें जिसमें इंडिया खुद गया था, नेहरू खुद गया था जी कि हाँ हम इसको इस तरीके से करेंगे। और मुझे आज भी याद है कि नेहरू के ये अल्फाज थे कि अगर कश्मीरी चाहेंगे कि वो इंडिया के साथ नहीं रहना चाहते तो एक लम्हा की ताखीर किए बगैर हम कश्मीर से चले जाएंगे। सो सी आप इसको 75 साल हो रहे हैं, सी वॉट इज़ हैपनिंग एक्चुअली इन कश्मीर। जो दूसरी बात मैं आपसे ये कहूँ, आपने बिल्कुल ठीक जो ओपनिंग सेंटेंसेस थे आपके, इट इज़ नॉट ओनली 25%, मैं कहता हूँ कि मे बी 30% से ज़्यादा भी ये वहाँ को उन्होंने डैमेज किया। इट इज़ नॉट, आप एग्रीकल्चर की बात करते हैं, हैंडीक्राफ्ट की बात करें, शॉल्स की बात करें, सिल्क की बात करें, उनके डिफरेंट तरह के ड्राई फ्रूट्स हैं, पीचेज हैं, जो कुछ भी है, जिसको कहते हैं ना एक वो प्लान तरीके से उनको उस लेवल पर लेके आए कि देखें ना, अगर किसी को भी आपने सजा देनी है बाकी चीज़ों को छोड़ के, जो सबसे वर्स्ट है दैट इज़ वो मुआशी सज़ा है जो एक्चुअली आप किसी भी कौम को देते हैं दीवार के साथ। बिल्कुल ऐसे ही है, 25 करोड़ की आबादी के अंदर 80 लाख से ज़्यादा जो आबादी है वो तो कश्मीरी मुसलमानों की है, दे आर द रियल टारगेट। और उसके अंदर देखें ना हुआ क्या, पहले उनको नौकरी का कोई किसी तरह का मसला नहीं होता था, बिकॉज दे यूज टू हैव एक सेमी ऑटोनमस स्टेटस था, इंडिपेंडेंट एक लिहाज से कि सिर्फ कश्मीरी वहाँ पे रह सकते हैं, जायदाद खरीद सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, मतलब यक जुम्बश कलम हर चीज़ को उन्होंने ख़त्म कर दिया। अब हुआ क्या है, 40 लाख से ज़्यादा तो डोमिसाइल एक लिहाज से उन्होंने इंडिया से आ रहे हैं जी, बिल्कुल सब कुछ हो रहा है। आप देखें ना, सो मच, तो आप सोच सकते हैं जो आपने कहा ना कि जी वो इन्वेस्टमेंट की समिट कराई, अच्छा और उसके अंदर कौन आया, उन्होंने यूए को इन्वाइट किया, सऊदी अरब को इन्वाइट किया, मे बी एक आधा और कोई कंट्री था कि जी आप इधर आए, वाई बिकॉज वो मुस्लिम कार्ड को खेलना चाहते थे, वाई बिकॉज बाकी और कोई जहाँ जिस तरह की सिचुएशन है और कोई आने को तैयार नहीं। फिर क्या हुआ कि इंडिया के अंदर उन्होंने कहा जी कि हम आपको ज़मीनें देंगे, हम इंडस्ट्रियल जोन उन्होंने डिक्लेयर किया और कहा जी कि हम आपको 90 साल की लीज़ के ऊपर और कंसेशन रेट के ऊपर, ज़मीन किसकी, कश्मीरियों की, कंसेशन रेट पे कौन दे रहा है, नरेंद्र मोदी और अजीत डोवल एक लिहाज से दे, दैट इज़ व्हाट द सिचुएशन इज़। ओके, सिचुएशन इज़ वर्स जी, जैसे वो क्लेम कर रहे हैं। एडवोकेट परवेज साहब ने हमें ज्वाइन किया टेलीफोन, एडवोकेट परवेज साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप क्योंकि खुद भी कश्मीरी हैं, इस वक्त जो सूरत हाल है जी, माशी सूरत हाल है मकबूजा कश्मीर में, वो क्या है, इंसानी जो सूरत हाल है, वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन वो तो हमें सामने नजर ही आ रही हैं, लेकिन कश्मीरी इस वक्त किस हद तक माशी अबतरी का शिकार हैं, और जो क्लेम्स इस वक्त तक इंडिया करता आ रहा है कि हमने मकबूजा कश्मीर के अंदर रोजगार भी दे दिया, हमने मकबूजा कश्मीर के अंदर कारोबार भी दे दिया, हम इन्वेस्टमेंट भी लेकर आए, क्या ग्राउंड रियलिटी वही है या मुख्तलिफ है? बहुत शुक्रिया यासिर साहब, कैसे आपने बताया कि देखें ह्यूमन लॉस के अलावा जो पॉलिटिकल लॉस कश्मीर का हुआ ये अनकाउंटेबल है, इसको हम किसी जगह गिन ही नहीं सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के या मुख्तलिफ जो एक्सपर्ट्स हैं, जो आज तक ये अरबों में ये खरबों में ये लॉस है, क्योंकि जब 5 अगस्त के बाद, जैसे आपको इल्म है कि एक लॉकडाउन की जो कैफियत थी, 6-7 महीने मुसलसल आपका इंटरनेट जो था वो बंद था, टेलीफोन बंद था, आपका जो हमारे पास खरबों रुपए का जो फ्रूट कश्मीर में निकलता है जिसमें सेब है, नाशपाती है, चेरीज है, उसको हम बाहर की मंडियों में ले ही नहीं सके, ले कर नहीं जा सके, और वो सारा सड़ गया उसी में, क्योंकि उसका असेसमेंट नहीं किसी ने किया, उसका कोई इसके बदले में किसी ने रिलीफ नहीं उनको दिया, तो ये 6-7 महीने का इतना बड़ा लॉस था जो अनकाउंटेबल था। जहां तक बात आती है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमिक पैकेजेस की, देखे इससे पहले भी नरेंद्र मोदी ने 8,000 करोड़ का कहा जी मैं इकोनॉमिक पैकेज दूंगा, लेकिन कश्मीरियों ने जब इसको रिजेक्ट कर दिया और उसको ये बात समझ में आई कि इकोनॉमिक पैकेजेस से कश्मीरियों के दिल नहीं बहलाए जा सकते, तो उन्होंने वही पैसा जो है ऑक्यूपेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए उन्होंने डिफरेंट टूल्स वहां पे इस्तेमाल किए, नई एजेंसियां उन्होंने क्रिएट की, और जो कुछ थोड़े से फंड थे वो क्योंकि इन्होंने हिंदू मेजॉरिटी वाले एरियाज में डाइवर्ट किया, और कश्मीर की जो सूरत हाल है वो खंडरात की तरफ आपको नजर आ रही है। और आज भी देख लें कि मकबूजा कश्मीर में हर दिन आप देखेंगे आर्सन जो है
हर दिन चार पांच घर जलते हैं। ये सवाल पैदा होता है कि ये घर जला कौन रहा है। कुछ दिन पहले वहां पे एक चार मकान जलाए गए जिनके अभी बिजली के कनेक्शंस भी नहीं लगे थे, और ये प्रेस रिलीज इंडिया गवर्नमेंट ने इशू किया कि शॉर्ट सर्किट हुआ। लेकिन मुझे बताएं कि ये जलाव घेराव और लोगों को कत्ल करना, ये एक सिलसिला जारी है। मुझे बताएं कि जहां पे हर दिन स्ट्राइक्स हो, हड़ताल हो, कत्ल गारदगिरी का सिलसिला, तो वहां इकॉनमी कैसे। अच्छा, एडवोकेट साहब ये बताइए कि आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन से पहले ये कहा जाता था कि सीजन के अंदर हिंदुस्तान से, यूपी से और मुख्तलिफ और इलाकों से लोग मकबूजा कश्मीर में नौकरियों के लिए आया करते थे, मुलाजमतों के लिए, मजदूरियों के लिए आया करते थे और अच्छी तादाद में और अच्छे खासे पैसे कमा कर जाते थे। क्या अब भी 370 की एप्रोगेशन के बाद वही सिलसिला है या अब कश्मीरी मजबूर हैं कि वो हिंदुस्तान जाके काम करें? लेबर क्लास जो हमारे पास था वो तो सारा बिहार से आता था ना। आप पता, आपको मालूम होगा और ये बात किसी से पता भी कर सकते हैं कि हमारा जो लेबर था वो 100% बिहार से आता था, यूपी से आता था, क्योंकि उनको वहां पे मजदूरी नहीं मिलती थी कश्मीर में। क्योंकि मैंने आपको कहा एग्रीकल्चर जमीनें हमारे पास काफी सारी हैं, बगात हैं जनाब, इसमें इंडस्ट्री भी हमारी किसी हद तक बेहतर थी, तो लेकिन उसको तबाह करने के बाद आज कोई आपको वो वहां पे नजर नहीं आएंगे, वो हिंदुस्तान के जो बिहारी और दूसरे लोग हैं, क्योंकि अब काम ही नहीं रहा। देखिए हमारे पास, हम जो यहाँ दरियाओं से सैंड जो रेत जो निकालते थे ना कंस्ट्रक्शन के बिजनेस के लिए, वो ठेके उन्होंने उठा के हिंदुस्तानियों को दे दिए। हमारा जो SFC का जो था स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन, उसमें कश्मीरी ठेकेदार वहां पे ठेके वहां पे अपना ठेका वहां पे दे देता था, टेंडर डालता था और वहां से एक्सट्रैक्ट लड़कियां कर ये करता था लकड़ियां। तो उसके बाद उन्होंने, आपने देखा कि उन्होंने वो भी उसको नेशनलाइज किया और हिंदुस्तान से जो अब ठेकेदार है उधर आते, कश्मीरियों के लिए उन्होंने स्पेस खत्म कर दी। वहां की इंडस्ट्रीज को जब रॉ मटेरियल नहीं आता है इंडिया से, कंफ्यूज होते हैं, स्ट्राइक वो तो बैठ गई एक साइड से, कहते हैं हम रियल एस्टेट में जना बाहर के कुछ लोगों को, ये ऑक्यूपेशन टूल्स हैं। तो अगर इन्होंने स्ट्रंग में करना था तो कश्मीरी बिजनेसमैन को स्ट्रंग में आज तक क्यों नहीं किया? साथ ही रहिए, ये जो भी पहले इन्वेस्टमेंट की बड़ी बात हुई थी कि जी हम ये MOU साइन कर रहे हैं, मनोज सिन्हा ने बड़े सेमिनार्स किए, खास तौर पे जम्मू को इसके अंदर टारगेट किया और ये कहा कि जी जम्मू जो है वो शायद बहुत ज़बरदस्त इलाका बन जाएगा। फिर श्रीनगर के अंदर भी ये बात की गई। क्या एक ऐसे इलाके में जो लोग आपके साथ मेजॉरिटी में रहना नहीं चाहते, वहाँ पर कोई सेन इन्वेस्टर जिसका दिमाग अपना हो, जिसका पैसा अपना हो, क्या वो ऐसे कन्फ्लिक्ट जोन में जो जंगो जदल का शिकार हो वहाँ पैसा लगाएगा? इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हकीकत में आपसे बताओ, इफ़ यू रिमेंबर कोई 1.5-2 महीने पहले की बात, आपसे एक प्रोग्राम हुआ था और इसी सब्जेक्ट पे हमने जब डिस्कस किया था ना, आई सेड लुक, ये किसी सूरत के अंदर ये धोखा दे रहे हैं ना, झूठ बोलते हैं ना, और ये झूठ पिछले 75 सालों से बोलते चले आ रहे हैं, एंड दे आर डूइंग द सेम थिंग नाउ कि जी हम आ गए बाहर से आ गए। देखे ना, आप किसी को भी लेकर आ जाएं, सऊदी अरब से लेकर आ जाएं, जैसे UAE के लोग आए थे, या कुछ किसी और मुल्क के आ जाएं, ऐसे जी कि आप हमारे से MOUs तो आप सैकड़ों करते हैं, मतलब एक दो की बात नहीं मैं कर रहा, उसकी प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हकीकत में आपको बताऊँ, ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्होंने पैसा लगाना होता है, समझदार भी होते हैं, एंड दे अंडरस्टैंड कि पैसा वहाँ लगाना है जहाँ उनकी पैसा भी महफूज, उनका जान, उनका माल, सब कुछ महफूज है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मेरा ख्याल है सारी दुनिया को पता है जो सिचुएशन कश्मीर के अंदर बनी हुई है, और हर आने वाले दिन के अंदर आप ये फील करते हैं कि जो अपकमिंग जनरेशन है, इवन अब भी जो इस वक्त परसिस्ट करते हैं और बड़ी उम्र के भी लोग हैं, आपने किस तरीके से कश्मीरियों को ट्रीट किया, देखने की बात यह है। एंड रियली इंडिया ये चाहता था कि जी नहीं, हम इनको बेहतर तरीके से साथ लेके चलेंगे। फिर आप ओवरऑल सिनेरियो में देखते हैं कश्मीर के अंदर, वो कश्मीरियों को कहते हैं कि यू आर इंडियन सिटीजन, आप हमारे शहरी हो गए। जो 20-22 करोड़ मुसलमान इंडिया के अंदर रहते हैं उनको कहते हैं, मतलब डुप्लिसिटी देखिए इनकी पॉलिसीज की, दे से जी कि नहीं आप प्रूव करें कि यू आर इंडियन सिटीजन, सीधी डाइकॉटमी। सो लाइक वाइज ये सारी चीज़ें जो हैं, मतलब कोई भी इन्वेस्टर होगा, छोटा होगा, मीडियम या बड़े दर्जे का होगा, दे अंडरस्टैंड, और स्पेशली ये तो इसको कह सकते हैं आप कि आप वोल्केनो है इस वक्त अगर आप कश्मीर की आप बात करें। ठीक है, इस पर मजीद बात करने के लिए एक और कश्मीरी रहनुमा जनाब APSC के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, शेख अब्दुल साहब, इस वक्त उनसे हम ने रब्ता किया है, उनसे बात करते हैं। शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया है। फरमाइएगा जनाब के हिंदुस्तान तो ये कह रहा है कि हम यहाँ पे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स लेकर आ रहे हैं, आप
ग्राउंड रियलिटी आप तक क्या पहुंची है कि मकबूजा कश्मीर में इस वक्त तक कितनी इन्वेस्टमेंट जो है वो आउटसाइड से हुई है और कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई है आफ्टर आर्टिकल 370 एप्लीकेशन? जी देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, वो ये है कि ग्राउंड पे सिचुएशन क्या है। भारत का ये वतीरा रहा है पहले दिन से, वो दो चेहरे लेके सामने आता है, एक इंटरनेशनल लेवल पे धोखा देने के लिए, एक ये है कि जो ग्राउंड की सिचुएशन होती है। जहां तक ये भारत का दावा है कि मकबूजा कश्मीर में हम बिरून मुल्क से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ला रहे हैं या जो भारत के अपने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है, लेकिन ग्राउंड सिचुएशन जो अगर हम देखेंगे, जो कश्मीरी आवाम है उन पे इस वक्त इकोनॉमिकली जो सूरत हाल है वो कितनी अबतर है, यानी लोगों को वहां खाने और पीने के लिए प्रॉब्लम्स है, उनकी वो जिंदगी जरूरियात पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि भारत एक जामिया पॉलिसी के साथ साथ मकबूजा कश्मीर के आवाम को महरूम करने के लिए वो गामजन है। मसलन उसने क्या किया है, जो वहां के मुलाजमीन है, ठीक है ना, बाना बना के उनको वो आहिस्ता आहिस्ता वहां पे फारिग कर रहे हैं। जो वहां की हमारी जो फ्रूट इंडस्ट्रीज है, खासकर हम 5 अगस्त 2019 के बाद हम देखेंगे जब से ये आर्टिकल 37 और 35 एब्रोगेट हुआ है, तो हमारे फल जो है वो वहां पे बोने दरख्तों पे थे, उन्होंने उसको यानी गाड़ियों पे वहां पे रसाई नहीं दी ताकि वो सड़े रहे और ये मार्केट तक ना पहुंचे, और इसी तरह हमारे जो जाफरान का है उसके साथ भी इसी तरह यानी ये बर्ताव किया जा रहा है। यानी भारत जो है इकोनॉमिक तौर पे कश्मीर में जो है यानी ये लोगों को महरूम कर रहा है और दुनिया को धोखा देने के लिए वो ये प्रोग्राम कर रहा है, ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि कश्मीरी आवाम की जो है वो सूरत हाल को हम बेहतर बना रहे हैं, हालांकि ये इसके बिल्कुल बरखिलाफ है। ठीक है जी, शेख अब्दुल मतीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया। एडवोकेट परवेज साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं, आप ये फरमाइएगा, अभी जो रिसेंट एक मामला सामने आया है कि सरकारी मुलाजमीन को जो बिलखसूस मुसलमान हो और कश्मीरी हो, मकबूजा कश्मीर के अंदर उन्हें बड़ी ही तादाद में फारिग किया जा रहा है और बहाना क्या बनाया जा रहा है कि जी आपके किसी हुर्रियत रहनुमा या किसी अस्करी जो विंग है या अस्करी जो तंजीम है, किसी जहादी तंजीम है, उसके साथ संबंध हैं, यानी ताल्लुकात हैं, या आप जो है उसके लिए आपने कोई कभी सर्विस प्रोवाइड की है, फैसिलिटेटर का रोल प्ले किया है, कोई उनकी सुनवाई नहीं हो रही, कोई कोर्ट का डिसीजन नहीं माना जाता, बस एक खत आ जाता है कि योर सर्विसेज आर नो मोर रिक्वायर्ड। आप बताइए कि ये सोची समझी साजिश के तहत फिर उनको हटाया भी जा रहा है और दूसरी तरफ हमने ये देखा कि हिंदुस्तान से लोग जो हैं उन्हें लाया भी जा रहा है, इसका इंपैक्ट ओवरऑल मकबूजा कश्मीर के अवाम के ऊपर आप क्या देखते हैं? देखिए यासिर साहब, हिंदुस्तान सोचों पे भी पाबंदियां लगाना चाहता है कि कोई बंदा तहरीक आजादी के बारे में सोचे भी अगर और उनको ये गुमा हो कि कोई एक शख्स आजादी की एक तड़प रखता है तो उसको कश्मीर में जिंदा रहने का आकर ना कोई जॉब करने का आकर। लेकिन जब इन्होंने इसको एज ए यूटी यूनियन टेरिटरी जब इन्होंने इसको डिक्लेयर किया तो कश्मीर के जो लॉज थे वो तो ऑटोमेटिकली खत्म हो गए, और उन्होंने जब इसका हिस्सा बनाया जो हमारा सिविल सर्विसेज का सेक्टर था, जैसे यहाँ पे सीएसएस होता है और इंडिया में आईएएस होता है, हमारा एक अपना एक स्ट्रक्चर था जिसमें हम कश्मीर सिविल सर्विसेज था, उसमें हमारे अपने डीसी लगते थे, अपने तहसीलदार लगते थे, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने मर्ज किया इसको तो उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज के साथ इसको लाया, और अब जो है अब महाराष्ट्र का डिप्टी कमिश्नर आपका श्रीनगर में, हरियाणा का डिप्टी कमिश्नर है, और जो मकबूजा कश्मीर का सिविल सर्विसेज का जो भी ऑफिसर है उसको उन्होंने या तो ओएसडी बनाया है या तो उसको कश्मीर से बाहर निकाला है। तो बात यह है कि हमारा जो अब वो इंडियनाइजेशन के साथ जो उन्होंने ये सारे लाए हैं वहाँ पे ऑफिसर, उनके साथ कश्मीरियों का एक्सेस है ही नहीं, ना उनकी उनके साथ कम्युनिकेशन का तरीका है, और वो ऑलरेडी बायस है, क्योंकि जब वो बाहर से आते हैं तो उनको ये बताया जाता है कि आप एक ऐसी सरजमीन में जाते हैं सर्व करने जहाँ पे लोग आजादी मांगते हैं, बल्कि ये भी नहीं कहते हैं, बल्कि ये कहते हैं कि आपको दहशतगर्दी को खत्म करना है, और जब वो वहां पे आते हैं तो उनका एक माइंडसेट यही होता है कि जो भी उनसे मिलता है कि ये एज ए टेररिस्ट है, अलाइदी की पसंद है, तो आप खुद अंदाजा करेंगे कि इसके बाद उनका रवैया क्या होता है। जहां तक जमीनों का ताल्लुक है, देखिए यहाँ पे भी शामलात में हमारे पास जमीनें होती हैं पाकिस्तान में, दुनिया भर में, आज उन्होंने एक नया ड्राइव शुरू किया है कि आपके जहां पे शामलात है वो उनको खाली करवाते हैं, जिसको हम स्टेट लैंड कहते हैं उसको फेंस करते हैं, और वहां पे यही डिप्टी कमिश्नर बगैर किसी सुने वजह बताए क्योंकि आप जब तक किसी की जमीन जब आप खाली करवाते हैं तो उसको चांस ऑफ हियरिंग देना है, उसको सुनना है,
वो जमीनों के गिर तार लगाते हैं, उसको सेपरेट कर देते हैं और उसको अपने कब्जे में लेते हैं और वहां पे वही डोक्स बनाते हैं और वहां पे किटोस का टाइप के घर बनाते हैं और उन स्लम्स में ये लाते हैं बाहर से, चाहे मजदूर की शक्ल में हो कोई मुलाजिम की शक्ल, उसको वहां पे बसाते हैं। और इसी तरह दूसरी तरफ जो कश्मीरी है, जो वो हालांकि उसने बात भी नहीं की थी, उसका एक स्लाइटेस्ट रिलेशन हो, हम फर्ज करें मेरा भाई है, मेरे साथ उसका ताल्लुक है, मैं ब्लड रिलेशन भी हुआ तो गया में काम करता हूँ, तो उसको फारिग होना पड़ता है, वो नौकरी नहीं कर सकता है। और अदलिया वहाँ पे बदकिस्मती से ये है कि वो भी सारी मैनेज्ड अदलिया है, वहाँ पे भी कोई इंसाफ नहीं मिलता है कश्मीरियों को, बल्कि हम कहेंगे कि कश्मीरियों का जीना दोबर कर दिया है हिंदुस्तान। बिल्कुल ठीक है, एक सिक्योरिटी एलिमेंट भी निकलता है कि ओवरऑल अगर आप देखें, जिस तरह से हमने इन्वेस्टमेंट की बात की कि कोई भी इन्वेस्टर कभी भी नहीं आता वहाँ पे, और ये एक परिंदों का एक चाइनीज कहावत के तौर पे एक परिंदों की झुंड की तरह होता है, अगर एक दफा परिंदे उड़ गए तो वापस लाना उनको बहुत मुश्किल होता है, सूरत हाल ये है। अब क्या ऐसी वजह है कि हिंदुस्तानी जो मीडिया है वो इतना ज़्यादा इस पर प्रोपगेट कर रहा है, इसको पूरी दुनिया में बताने की कोशिश कर रहा है कि जी कश्मीर जो है वो देखें आप अपॉर्चुनिटीज़ की एक जन्नत है, आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें और इस तरह से करें, ये जो फेक न्यूज़ का एलिमेंट है उनके मीडिया के अंदर, जिसके अंदर कोई हकीकत नहीं है। हकीकत ये दो कश्मीरी रहनुमा हैं जिन्होंने बताई कि इनके वहाँ पर फैमिलीज़ हैं वहाँ पर, वो बता रही हैं कि वहाँ तो रोज़गार ख़त्म हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, समथिंग वेरी अनफॉर्चुनेट आई वुड से। आप सिर्फ ये देखें कि वहाँ की जो 80% आबादी है वो तो है ही बेसिकली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, 3,40,000 लोगों का जो रोज़गार है सिर्फ वो वाबस्ता था बेसिकली हैंडीक्राफ्ट के साथ, वो सारा तो आलमोस्ट कह सकते हैं 50-60% तो तबाह बर्बाद हो गया। ठीक, अगर आप हुकूमत की इन वे बात करते हैं तो सर्टली ये जो इंडियन मीडिया है ना, इंडियन मीडिया तो आप कह सकते हैं कि दे आर एक्सपर्ट इन फेक न्यूज़ प्रोपेगेशन, और उनकी जो डीप स्टेट है इंडिया की और उनकी जो अपनी हुकूमत है वो उनके पीछे खड़ी है, उनको वो नैरेटिव देते हैं कि इस नैरेटिव को आपने आगे लेके जाना है। दे डोंट आस्क वेदर ये जो जर्नलिज्म की वो कोई मॉरल्स हैं, कोई एथिक्स हैं, उसके अंदर उसको लेकर आना, नथिंग ऑफ दैट काइंड। आप यकीन मानिए, आई हैड नंबर ऑफ शोज जो कि मैंने उनके टीवी पे मैंने इनके साथ किए, आप यकीन माने वो हर चीज़ के अंदर इतना झूठ बोलते हैं, इतना फेक खबरें उनकी, और आपको लगेगा ऐसा, यानी अगर कोई किसी को नहीं पता सही मानों में ग्राउंड रियलिटीज का, जैसे ये तो बात ठीक है, बिल्कुल सही बात। ठीक है, आई हैव टू वाइंड अप जी। एडवोकेट प्रवेश साहब, साहब, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कश्मीर में दिन ब दिन मखदूस सूरत हाल से दो चार है, अगर कोई इंडियन प्रोपेगेंडा सुनकर देखकर यह समझता है कि मकबूजा कश्मीर में वहां पे उसकी इन्वेस्टमेंट की चांदी हो जाएगी तो यह बिल्कुल गलत है, बिल्कुल एक दीवाने का ख्वाब है, और कोई भी ऐसी गलती ना करे तो बेहतर होगा, क्योंकि मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी कभी भी ऐसी इन्वेस्टमेंट को कबूल नहीं करेंगे जिसमें उनकी जॉब जाएं, जिनमें उनकी नौकरियां जाएं, जिसमें उनके कारोबार खत्म हों। प्रोग्राम कश्मीर मैगजीन से इतना ही आसिर रहमान को दीजिए इजाजत, अल्लाह के बाद।